ऊपर करके दीवार की तरफ हो जाओ। पांच लाख मैं पैसे निकाल, पैसे मैं काम खत्म होने के बाद ही देता हूं। डरता है? करता क्यों? तस्वीरों को मारना आसान। मैं जब काम करता हूं तो लाश को पहचानना भी नामुमकिन हो जाता है। दोनों में से जिस पे दिल आए वो लेना। मजा आना चाहिए। क्या हुआ? चलिए आप कुछ बोले तो। मैंने सोचा आप चलते कुछ बोलते नहीं, इसलिए बैठ जाऊं तो शायद आप कुछ बोले। आप कुछ बोलिए ना, मैं सुनूंगी। क्या बोलूं? कुछ भी। आपका मनपसंद गाना कौन सा है? आपको गाँव कर कैसा लगा? अच्छा एक बात बताइए, हमारे गांव में कब शुरू कर रही हैं आप ये अभियान? ये तो आपके ऊपर है, अपने गांव का काम तो आप ही देख रहे हैं। कोई परेशानी होगी तो मैं भी आ जाऊंगी मदद कराने। ठीक है, मैं गांव वालों से आज ही बात करता हूं। आप स्कूल के बाद कल आ सकेंगी? जरूर। बस बात खत्म। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं, जो बस काम की बात करते हैं और चुप। आप कब चुप होती? किरण जी, ये इतनी सी थी जब इसके माँ बाप इसे मेरी गोद में डाल गए थे, मेरा तो सारा जीवन ही बदल गया था और मैंने अपने आप को इसकी परवरिश में ही समेट लिया था। मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन जब इसने पहली बार मुझे काका कहकर पुकारा था। मुझे लगा मेरे जीवन में कितनी खुशियां आ गई। उस दिन मैंने सोचा था कि इस नन्ही मासूम की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। किरण जी, माया से अगर कभी कोई गलती हो जाए तो उसे कुछ ना कहिएगा, जो कुछ कहना हो मुझे कहिएगा। क्या बात है माया, तुम मुझे देखकर इस तरह घबरा क्यों जाती है? मैं तो ये समझाने आया था कि माथुर साहब और किरण जी बहुत अच्छे लोग हैं, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, इस खानदान की इज्जत हो, कभी ऐसी कोई हरकत मत कर देना
जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। तुम्हारे ससुराल वालों को कभी यह नहीं लगना चाहिए कि मैंने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। सास ससुर की सेवा करना और पति की इज्जत करना, यही तुम्हारा पहला कर्तव्य है। तुम सदा सुखी रहो।